बड़े लंबे समय पहले की बात है, हमारे दादा और परदादा के जमाने से भी पहले की। अर्चना नाम की एक बहुत ही गरीब औरत भारत के एक पहाड़ी गांव में रहती थी। अर्चना बहुत ही सादगी और खुशी से एक सरल जिंदगी जी रही थी। एक दिन जब अर्चना कपड़े सुखाने जा रही थी, अरे नहीं, मेरी चादर हवा इसे उड़ा कर ले जा रही है। अर्चना ने हवा के बहाव और अपनी चादर का पीछा किया ताकि वो उसे पकड़ सके। लौटी चादर है, इसे भी खो बैठी तो रातों को मैं ठंड से कांपती ही रहूंगी। अर्चना हवा का पीछा करती रही और हवा का बहाव उसे पहाड़ी के एक खूबसूरत महल तक ले गया। वो था हवा महल। अर्चना महल में दाखिल हुई तो उसकी मुलाकात एक देवी से हुई। आओ प्यारी बेटी, मैं हूँ हवा की देवी। देवी माँ, आपके बेटे ने मेरी इकलौती चादर ले ली है, क्या आप मुझे वो वापस दिला देंगी? हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। हवा की देवी अर्चना को लजीज पकवानों से भरे एक कमरे में ले गई। तुम थक गई होगी, तुम्हारा जो मन करे वो खा लो। अर्चना ने बड़े प्यार से कुछ खाने से मना कर दिया तो हवा की देवी उसे एक और कमरे में ले गई, जिसमें मौजूद थे अलग अलग नाप के बक्से। ये देखो बेटी, इन बक्सों में अलग अलग चीजें हैं, सोना और चांदी भी है। तुम वो बक्सा चुनो जिसमें तुम्हारी चादर हो सकती है, पर तुम उसे यहाँ पर मत खोलना, हवा की देवी ने उससे कहा। अर्चना ने हर बक्से का वजन देखा और सबसे हल्का वाला उठा लिया और फिर हवा की देवी का शुक्रिया अदा करते हुए महल से चल पड़ी। जब उसने बक्सा खोला तो वो ये देखकर चौंक गई कि उसकी चादर बिल्कुल साफ सुथरी और सूखी हुई थी और साथ में उसमें सोना मौजूद था, और उसकी लालची पड़ोसन जिसका नाम भावना था, ये सब कुछ छिपकर खिड़की से देख रही थी। मुझे भी हवा महल जाकर अपनी किस्मत चमकानी चाहिए। आओ प्यारी बेटी, मैं हूँ हवा की देवी। हवा की वजह से मेरे सारे कपड़े उड़ गए, और अगर आपने उन्हें नहीं लौटाया तो मैं इस महल को बर्बाद कर दूंगी। शांत हो जाओ बेटी, पहले तुम कुछ खा तो लो। भावना जितना खा सकती थी खाने लगी और फिर देखो बेटी, तुम वो चुन लो जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कपड़े हैं, पर उसे यहाँ पर मत खोलना। लालची भावना सबसे भारी बक्सा लेकर वहां से चल पड़ी। रही थी,
तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? अर्चना जो कि संतोषी थी, उसे अंत में ढेर सारा इनाम मिला, लेकिन वही भावना जो लालची थी, उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो बच्चों, उन चीजों का लालच ना करो जो आपकी ना हो। एक समय की बात है जब दुनिया में कई अजूबे हुआ करते थे। एक गरीब मछुआरा जिसने समुद्री तूफान में अपनी नाव खो दी थी, तैरता हुआ किनारे पर आ पहुंचा। घर लौटकर जब वो अपनी पत्नी से मिला, मेरी इकलौती नाव भी अब मेरे पास नहीं रही, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? फिक्र मत कीजिए, आप पेड़ के तनी से फिर से एक नई नाव बना सकते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। ठीक है, मैं इसी वक्त जंगल में जाऊंगा। वो मछुआरा उसी रात पेड़ के तने की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जंगल में कहीं रास्ता भटक गया। यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक मकान है, मैं उसमें रहने वालों की मदद ले सकता हूँ। मछुआरे ने जाकर उस मकान का दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग पति पत्नी ने उस घर का दरवाजा खोला। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ नौजवान? दरअसल मैं इस जंगल में भटक गया हूँ, क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ सूरज निकलने तक? जरूर, अंदर आ जाओ। कुछ देर के बाद, सुनिए, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूँ। तुम यहाँ आराम करो बेटे, हम कुछ ही देर में आते हैं खाना लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों वहां से एक कमरे में चले गए। पर मछुआरा ये जानने के लिए बेचैन था कि खाने में क्या पकाया जा रहा है, इसलिए वो उस कमरे में झांकने लगा जिसमें वो बूढ़े पति पत्नी गए थे। उनको गायब होता देखकर, उन्होंने आखिर किया क्या? इस हैट में जरूर कोई जादुई शक्ति है। मछुआरे ने एक हैट उठाई और पहन ली और उसे बूढ़े जोड़े का पीछा करने को कहा। मैं कहां आ गया? आह, हर तरफ स्वादिष्ट, हर तरफ बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मछुआरे ने उस बूढ़े जोड़े को खाना चुराते हुए देखा। आह, अब समझा कि आप लोग क्या करते हैं। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मैं यही रहूंगा और खाऊंगा ये सारा खाना। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो बूढ़े पति पत्नी वहाँ से चले गए और मछुआरे को जो नजर आया वो उस हर चीज को खाता चला गया। कितना स्वादिष्ट खाना था। और फिर वहां सिपाही आए। अच्छा, तुम ही हो वो चोर जो रोज खाना चुराता है। मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करूंगा। महाराज, यही है वो चोर जिसकी हमें तलाश थी। इसे जिंदा जला दो अभी। कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? कुछ सोचो। आइडिया, मुझे अपनी टोपी पहननी है, बस आखिरी बार, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक कैप, बस इतना ही? सिपाही, इसे इसकी कैप पहना दो। सिपाही ने हुक्म माना और जैसे ही उसे हैट पहनाई, घर चलो घर चलो। मछुआरा वहां से गायब हो गया और अपने घर पहुंच गया
लेकिन अब भी वो पेड़ के तने से बंधा हुआ था। मुझे खुशी है आप पेड़ का तना साथ लेकर आ गए, पर आपने खुद को उससे बांधा क्यों है? शायद इसी को किस्मत कहते हैं। तो बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? हालांकि मछुआरा अपनी गलती से फंस गया था, लेकिन फिर भी उसने सही वक्त पर अपनी अक्ल लड़ाई और वहां से बच निकला। सही समय पे अक्ल का इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा होता है। एक समय की बात है, भारत में कबीर नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन वो अपने गांव की सड़कों पर पैदल चलता जा रहा था कि अचानक क्या एक पंख? भला ये कैसे हो सकता है? कुछ देर के बाद, क्या हुआ कबीर? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? आशा, ये शायद एक सारस का पंख है। हाँ? खांसते हुए ये मेरे मुंह से निकला। ओ, एक सारस का पंख आपके मुंह से? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये किसी को बताना मत, वरना लोग समझेंगे मैं पगला गया हूँ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सब कुछ ठीक तो है ना आशा? सब तो नहीं, एक बात है जो मुझे किसी को नहीं बतानी है। वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी, बताओ क्या बात है? कल खांसते हुए मेरे शौहर के मुंह से सारस के पंख निकले। क्या? अच्छा, अब ना मुझे बाजार जाना है, पर ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कहिए मैडम, आपको क्या क्या चाहिए? एक बात बताऊं तुम्हें, अभी मेरी आशा से बात हुई, खांसते हुए उसके पति के मुंह से एक सारस निकला। क्या जिंदा सारस? हाँ, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना, मैं तुमसे बाद में फल खरीदूंगी। क्या कबीर के मुंह से सारस का पूरा झुंड बाहर निकला? लोगों की भीड़ कबीर के पास गई और उसे जबरदस्ती थूक कर अपने मुंह से तरह तरह के पक्षी उगलने के लिए कहा। कबीर फौरन समझ गया कि यह अफवाह कुछ ज्यादा ही फैल गई है। उसे तुरंत एक तरकीब सूझी। हाँ हाँ, मैं तरह तरह के पक्षी उगल सकता हूँ, लेकिन पहले ये वादा कीजिए कि उन्हें उगलने के बाद आप में से हर कोई अपने पेट में एक जिंदा पक्षी जरूर रखेगा। असली पक्षी हमारे पेट में? नहीं, हमें माफ करो, तुम ही रखो। हम अपने पेट में एक जिंदा पक्षी कैसे रख सकते हैं? जरूर ये बात कोई अफवाह होगी। सही कहा। इस तरह कबीर ने बड़ी अक्लमंदी से मुसीबत को हल कर दिया। अच्छा बच्चों, ये बताओ हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? एक छोटी सी अफवाह भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, इसलिए ना कभी अफवाहें फैलाओ और ना ही उस पर यकीन करो। बहुत ही पुराने समय की बात है,
रहस्यों के जमाने में दूर दराज के एक राज्य में एक राजकुमार रहता था। एक दिन राजकुमार अपने महल के छज्जे से बाहर देख रहा था। सैर सपाटे के लिए कितना सुहाना दिन है, मुझे अभी महल के बाहर जाना चाहिए। राजकुमार के कहकर घोड़े पर सवार होके निकल पड़ा। वो सूरजमुखी के खेतों के बीच से गुजरते हुए कुदरत की खूबसूरती का दीवाना हो गया। कितना सुंदर नजारा है, मुझे यहाँ एक झपकी ले लेनी चाहिए। राजकुमार एक झपकी लेने नीचे उतरा और बहुत जल्द उसे नींद आ गई। वो सीधा तब जागा जब सूरज डूबने वाला था। और जैसे ही वो वहां से रवाना होने वाला था, वहां एक खूबसूरत लड़की आ गई। राजकुमार को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। और फिर मुझसे शादी करोगी? राजकुमार ने लड़की से पूछा। मैं करूंगी, पर मेरी तीन शर्तें हैं। नंबर एक, तुम्हें रहना होगा मेरे साथ मेरे घर पर, सूरजमुखी के खेत के पास। नंबर दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी सूरज डूबने से लेकर उगने तक, हर रोज। नंबर तीन, तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे कि मैं कहाँ जाती हूँ दिन होने पर। ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। राजकुमार और उस लड़की की शादी हो गई और वो दोनों लड़की के घर पर रहने लगे। एक दिन सूरज उगते वक्त जब लड़की घर से जा रही थी, राजकुमार ने उसका पीछा किया। राजकुमार ने लड़की को गायब होते सुनहरे धुएं में बदलते देखा। लगता है वो किसी मुसीबत में है। राजकुमार कुछ देर तक खेतों में चलता रहा, कुछ देर सोच विचार किया और फिर उसने एक सूरजमुखी को तोड़ लिया और जादू से वो फूल उसकी रानी में बदल गया। सुनिए, आपने मुझे एक पुराने श्राप से आजाद करा दिया। मुझे इसके बारे में बताने की इजाजत भी नहीं थी। आपने सही सूरजमुखी कैसे पहचाना? सभी सूरजमुखी फूलों पर ओस की बूंदें थीं, क्योंकि वो रात भर बाहर थे, पर तुम पर नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ घर के अंदर थी। और इस तरह उसने अपनी अक्लमंदी से अपनी पत्नी को बचा लिया और वो हमेशा हमेशा के लिए साथ में खुश रहे।